नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इसकी रचना में जो है दिल्ली के एक सेठ के पुत्र की कहानी है। अगला प्रश्न है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं? और सरकटी उपन्यास के लेखक जो हैं वो गोपाल राम गहमरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और इन्होंने जो है अधिकांशता जासूसी उपन्यासों की रचना की है, जिसके इनके और प्रमुख उपन्यास है जासूस की भूल, जासूस की जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी। तो ये इनके कुछ उपन्यास है। अगला प्रश्न है, लालटीन की छत के लेखक हैं? तो लालटीन की छत निर्मल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और अगर इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो वे दिन तथा चिथड़ा सुख जो है इनके कुछ उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज के लेखक हैं? तो नौकर की कमीज के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? तो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। ऑप्शन नंबर ए। और निर्मल वर्मा जी जो है मन की गहरी परतों को उखाड़ने वाले कहानीकार माने जाते हैं। और परिंदे जो है उनका काफ़ी लोकप्रिय कहानी संग्रह है। और इसके अलावा जो है उन्होंने बीच बहस में पिछले गर्मियों में जो है उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। लंदन की रात, कुत्ते की मौत उनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसका सही आरोही क्रम है छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही क्रम के हिसाब से छायावाद, फिर प्रकृतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, जो है कुछ इस तरह से आता है ये। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो रसज्ञ रंजन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो वो जो है इंदुमती से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी भी माना है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा के जो है वो चार भाग हैं। और इनके नाम है, क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर से बसेरे में दूर, बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक। तो इन जो है चार भागों में बंटे हुए हैं और ये सभी जो है प्रकाशित हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है? तो इनकी रचना का नाम है पद्म राग। ऑप्शन नंबर ए। कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक। ऑप्शन नंबर सी। अतिथि का पर्यायवाची शब्द है आगंतुक। आगंतुक। अजन्म का अजन्म शब्द में समास है, तो अजन्म में अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो नीमा जो है वो कबीरदास की माता का नाम था।
और कबीरदास जी जो है वो का पालन पोषण जो है दुलाहा जुलाहा दंपत्ति जो है नीरू और नीमा ने किया था। तो कबीरदास की माता का नाम है नीमा। राम शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है रामस्य। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पठती। अगला प्रश्न है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है विद्रोह करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है वो बघेली भाषा नहीं आती है, क्योंकि ये जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। और बाकी जो है ब्रज कन्नौजी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, नहुष नाटक लिखा गया है। तो नहुष नाटक के रचयिता जो हैं वो बाबू भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र जी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तिरंगा शब्द में समास है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, और वो 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगला प्रश्न है, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। तो भागवंती उपन्यास जो है वो सुदर्शन जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। तो वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। शब्द की जो है वो 3 शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा जो है वो वाच्यार्थ को व्यक्त करती है, लक्षणा लक्ष्यार्थ को, और व्यंजना जो है वो व्यंग्यार्थ को व्यक्त करती है। तो ये याद रखें। अगला प्रश्न है, सही युग्म को चिन्हित कीजिए। तो इसमें सही युग्म है वैदर्भी माधुर्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अनुभाव के 2 भेद होते हैं। तो अनुभाव के 2 भेद होते हैं सात्विक और वाचिक। ऑप्शन नंबर बी। अनुष्टुप है, तो अनुष्टुप एक छंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और अनुष्टुप छंद जो है वो संस्कृत काव्य में प्रयुक्त होने वाला एक छंद है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। तो सही कथन इसमें यह है, य और व ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिलौटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद जो है, सॉरी एक प्रश्न शायद, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो वो है को, कर्ता ने कर्म को। अगला प्रश्न है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद जो है अन्य जमा अन्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम है। तो शिशुपाल वधम जो है वो माघ की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष का ग्रंथ है। तो श्रीहर्ष का काव्य ग्रंथ है नैषत काव्य। ऑप्शन नंबर बी। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण जो नहीं है वो है गंगा जमा उद्गम। ऑप्शन नंबर सी गंगोत्कम। स्वस्थस्तियों का संधि विच्छेद होगा। स्वस्थस्तियों का संधि विच्छेद।
ऑप्शन नंबर ए स्वस्ति जमा अस्तु। इन युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो सही युग्म नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास, तो ये गलत है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचनाकार हैं, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल में चंद्रवरदाई द्वारा रचित महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रवरदाई इसका सही आंसर है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है, तो विनय पत्रिका जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है। नई कविता के प्रवर्तक थे, तो नई कविता के प्रवर्तक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला प्रश्न है देव कवि किस जिले के थे? तो देव कवि जो है वो इटावा के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो घनानंद की कृतियाँ जो है वो ब्रज भाषा में हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ब्रज। कुछ समय बीतने के बाद पाठ्य पुस्तकें क्यों बदल देनी चाहिए? क्योंकि जो है समय अनुसार जो है ज्ञान की नवीकरण आवश्यक होता है, इसके लिए पाठ्य पुस्तकों का बदलाव करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर है। बच्चों के भावी जीवन का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो बच्चों का भावी जीवन का निर्माण जो है वो शैशवावस्था में ही प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है यदि आपके श्यामपट पर अपठनीय लिखावट की और कोई विद्यार्थी बार बार संकेत करता है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इस पे जो है आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे, ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।